नमस्कार, मैं हूं प्रगति। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। खटीमा में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद लकड़ी तस्करी से तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार की रात खटीमा वन रेंज की टीम ने लाखों की अवैध साल के 8 लट्ठों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने में सफलता पाई है। वहीं वन विभाग की कार्यवाही के दौरान तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। इस पूरे प्रकरण में खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र सिंह मनराल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर ट्रैक्टर ट्रॉली से साल की बेशकीमती 8 लट्ठे बरामद किए हैं। हालांकि तस्कर जहां मौके से भागने में सफल रहे, वहीं वन विभाग द्वारा लकड़ी को जब्त कर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया। खटीमा से संवाददाता केदार सोनकर की ये रिपोर्ट। एक ट्राली में माल आ रहा करके जो है, तो मैंने तुरंत जो है अपने स्टाफ को जो है एक टीम गठित करी। गठित करने के उपरांत जो है मेरे द्वारा बताया गया कि जो है पैनिया और भूड़ा किसी के बीच में कोई ट्राली जा रही है। मेरा स्टाफ जो है तुरंत वहाँ गया और जा कर के इसको ट्राली को कैचअप किया। जैसे ही उनने घेराबंदी करी मेरे स्टाफ द्वारा, तो जो है वो जो ट्रैक्टर मालिक होगा या जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। मौके पर हमारे स्टाफ के द्वारा जो है साल से लदी जो 8 गिल्टे जो बरामद किए गए हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि एक लकड़ी आई कहाँ से है करके, और हमारे द्वारा जो है इसको जो है ट्रैक्टर ट्राली को सींच कर जो है विधि कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।